सीबीएसई ने ओपन बुक एग्जाम पर रोक लगा दी है। क्लास 9th और 11th में ओपन बुक एग्जाम नहीं होंगे। बोर्ड का कहना है कि इससे स्टूडेंट्स की क्रिटिकल योग्यता खत्म हो जाती है। अब क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स बोर्ड ने 2 साल पहले स्कीम लॉन्च की थी, अब एग्जामिनेशन हॉल में टेक्स्ट बुक्स नहीं ले जा पाएंगे। सीबीएसई का ये कहना है कि ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट के कई स्कूल से काफी नेगेटिव फीडबैक मिले, जिसके बाद इसे हटाने पर विचार किया गया। बोर्ड ने सभी पक्षों से बातचीत करने के बाद ही ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट को वापस लेने का ये बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई ने कहा कि क्लास 9th के फाइनल एग्जाम में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस के लिए ये योजना लागू थी। वहीं क्लास 11th के लिए इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और ज्योग्राफी के लिए मार्च 2014 में OTBA स्कीम लॉन्च की थी। इस स्कीम के तहत एग्जाम हॉल में किताबें देखकर सवालों के जवाब देने की छूट छात्रों को दी गई। स्टूडेंट्स को 4 महीने पहले ही टेक्स्ट मुहैया करवा दिया जाता था, जिनकी मदद से वो परीक्षा में सवालों के जवाब दिया करते थे। तो अश्विनी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी अश्विनी गुप्ता फोन लाइन पर है। अश्विनी, ओपन बुक एग्जाम पर रोक लगाई गई और ऐसे कहा गया कि ये नेगेटिव फीडबैक स्कूल की तरफ से मिला है। फिलहाल इस पूरे जो मामले को लेकर और क्या असेसमेंट की गई और कब से ये लागू किया जाएगा? देखिए, ये जो ओपन बुक का सिस्टम था ये 2014 से शुरू हुआ था और 9th क्लास में हिंदी, इंग्लिश, गणित, साइंस और सोशल साइंस में शुरू किया गया था पहले। उसके बाद 11th में इसको अर्थशास्त्र, बायोलॉजी और भूगोल में शुरू किया गया था और इसके लिए 10 अंकों के 2 से 3 सवाल जो है वो पूछे जाते थे इस सिस्टम के तहत। उसके लिए पहले से ही जो स्कूल्स हैं वो जो मटेरियल होता था वो बच्चों को दे देते थे। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि बच्चे इन विषयों का गहराई से अध्ययन करें, लेकिन जब ये असेसमेंट किया गया कि जो उद्देश्य था उसका पूर्ति नहीं हो रही है तो अब सीबीएसई ने इसे डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया है। अब ये शुरू में पायलट बेसिस पे शुरू किया गया था, लेकिन अब चूंकि इसको डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया गया है तो अब इसे वापस आने की संभावना जो है फिलहाल कम है। अगर ये सक्सेसफुल होता तो इसे 10वीं में और 12वीं में भी लागू किया जाता, लेकिन अब चूंकि 9वीं और 11वीं में से शुरू किया गया था तो अब अगर इसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है तो इसका मतलब इसका आगे बहुत ही मुश्किल है कि दोबारा इसे लाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया अश्विनी इस पूरी खबर पर और अपडेट के लिए आपका।